एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आपको तो पता है कि क्रिसमस भी चल रहा है, न्यू ईयर भी चल रहा है, और कुछ ही दिनों के अंदर मेरा बर्थडे भी है, और मेरे को बहुत सारे गिफ्ट मिल रहे हैं सारे ऑलरेडी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको आप लोगों के साथ ही खोला जाए। तो मेरे पास ऑलरेडी कैंची वगैरह मैंने रखी हुई है यहाँ पे। कहाँ गई मेरी गिफ्ट खोलने की कैंची, कहाँ गई मेरी खतरनाक वाली ट्रस्टेड कैंची? तो मेरी कैंची भी साथ में आती है। सबसे पहले छोटे वाले शुरुआत करते हैं, गाइस बहुत सारे गिफ्ट हैं। मैं काम करता हूँ, मैं इनको यहाँ पे रख लेता हूँ ताकि आपको दिख भी जाए कि कौन कौन से गिफ्ट में खोलने वाला हूँ। ओके लेट्स गो। ये रहे थरा थरा, और ये ड्रोन मैंने ऑलरेडी खोल दिया है, तो वी डोंट नीड दैट। तो ड्रोन की वीडियो कल मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। और गाइस वो बैग भी है यार, लॉगी वो बैग दियो यार एक बार फिर से। गाइस लॉगी मेरी हेल्प कर रहा है आराम से। तो आई थिंक इसके अंदर ओके Let's get going, cause you got a lot of unboxing to do. हमें बहुत चीजें अनपैक करनी है। सबसे पहले लॉगी इसके अंदर क्या है? आप देखो क्या है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे क्या लग रहा है इसके अंदर दिवाली के बम होंगे इसके अंदर। स्पीकर, क्या बात है। तो ये है गाइज एक छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर, एकदम मस्त नाइस लग रहा है ना। एक आइडिया देता हूँ, क्या छोटा सा गेम खेलते हैं क्या? क्या बात है। अगर आपने गैस किया खोलने से पहले कि क्या है, तो हर गैस पे 10 सब्सक्राइबर्स। ओह यह चलो ठीक है, ये क्या मच्छा है। अगर मैंने गैस कर दिया इस डब्बे के अंदर क्या है, तो आप सब्सक्राइब करोगे और लाइक भी करोगे। तो गाइस ये है एक छोटा सा स्पीकर, ये बहुत बढ़िया है गाइस। मैं टॉयलेट में नॉर्मली जाता हूँ, नहाने जाता हूँ, तो गाने सुनता हूँ फोन के ऊपर, और वो इतने लाउड नहीं है, बिल्कुल लाउड है ही नहीं। तो ये मेरे बहुत काम आने वाला, ठीक है। तो ये स्पीकर जिसने भी दिया फैमिली में से, थैंक यू सो मच। और ऑलरेडी ये खोलते हैं इसके अंदर क्या है। आई थिंक इसके अंदर गाइस शॉपिंग होगी। हॉलिस्टर मेरी फेवरेट शॉप है, तो मैं यहाँ से बहुत चीजें बाय करता हूँ। तो लेट्स गेट गोइंग। राइट, सबसे पहले हमारी आती है एक टी शर्ट, नाइस, क्या बात है। तो ये है एक हॉलिस्टर की टी शर्ट, मैन एकदम बढ़िया। तारा, ओ एकदम ब्रांड न्यू वाली स्मेलिंग आ रही है यहाँ से। ऑलराइट, तो ये भी एक हो गई, थैंक यू। और इसके बाद ये खोलते हैं। तो मैं एक यहाँ से, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर गाइस मुझे लग रहा है एक स्पीकर होगा, या आई थिंक एक बड़े वाला स्पीकर होगा। लेकिन फिर मैं सोच रहा हूँ, ऑलरेडी मुझे एक स्पीकर दे के रखा है, तो दो स्पीकर देने का क्या प्लानिंग है? मैं सोच रहा हूँ इसके अंदर हेडफोन्स होंगे, यस, क्योंकि मैंने बोल कर रखा था मेरे हेडफोन्स खराब हैं, और जो मैंने नए स्टील सीरीज वाले हेडफोन्स लेकर रखे हैं वो भी एकदम बेकार है। तो मुझे लग रहा है कि इसके अंदर हेडफोन्स होंगे, लेकिन इतने लंबे हेडफोन्स कौन देता है? कोई डंडा तो नहीं है मुझे मारने के लिए? तो अगर आपको लगता है गाइस इसके अंदर हेडफोन्स होंगे, तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन। रेजर, ये वो चरा भाई भाई। तो ये है गाइस एक डेस्कटॉप मैट, वो तो ये है मेरा रेजर का मैट। थारा, इसको मैं शॉल की तरह यूज करूंगा। ये रहा, अच्छा यार एकदम बढ़िया। अरे बाप रे, बहुत हैवी है यार, क्वालिटी इसकी एकदम मस्त लग रही है। ये जो मेरा वाला है इससे कई गुना अच्छा लग रहा है मेरे को। राइट देन, तो एक बार फिर से थैंक यू। अभी दूसरी टी शर्ट मेरे को निकाल के, बहुत सारी टी शर्ट इस डब्बे के अंदर। एक और टी शर्ट हॉलिस्टर की, मैन आई एम सो हैप्पी। तो इसका नीचे वाला डिजाइन और इसका कपड़ा गाइस एकदम नरम है यार। आई थिंक दिस इज 100% कॉटन, ये लिखा हुआ है, तो 100% कॉटन, क्या बात है। वाओ, आई कांट वेट टू वेयर दिस। तो यार आई थिंक ये मेरी मॉम ने मुझको लाके दी होंगी, क्योंकि उनको पता है कि मैं कैसी टी शर्ट्स पहनता हूँ, और मैं बहुत फंसी हूँ टी शर्ट्स के मामले में। तो यार थैंक यू। उसके बाद एक और डब्बा खोलते हैं। अब गाइस करो, इसके अंदर क्या है? एक सब्सक्राइबर के लिए। तो गाइस ऑब्वियसली उसके अंदर वो रेजर का मैट था। आई थिंक ये एक आई डोंट नो मैं थोड़ा बहुत पीक करके देख लेता हूँ यार। तो ये मेरे को देख रखा है एल्गाटो का 460 रिकॉर्डिंग के लिए। मैं देख रहा हूँ, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि सारे कंप्यूटर के पार्ट्स मेरे को देख रखे हैं यार। तो ये है एल्गाटो का 4K। तो अभी इसका मतलब ये है कि मैं अपनी वीडियोस 4K में रिकॉर्ड कर सकता हूँ यार, डैम। तो 4K वाली वीडियो अगर आपने देख लिया, तो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब एंड लाइक बटन। तो ये है एल्गाटो का 4K, एकदम ब्रांड न्यू है भाई। इसको मैं खोलना नहीं चाहता यार, क्योंकि इसको मुझे पता नहीं कहाँ पे फिट करना है। मेरे कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी जगह भी नहीं है,
तो मुझे थोड़ी बहुत केबल मैनेजमेंट करनी होगी ताकि मैं इसको कंप्यूटर के अंदर फिट कर सकूं। और हैवी आया एकदम फिर से, तो ये आई थिंक मेरे भैया ने मेरे को दिया होगा। तो यार थैंक यू ब्रो, थैंक यू। नेक्स्ट एक और, ए मिलिट्री, मेरे को आर्मी में भेजने की प्लानिंग चल रही है। तो ये है एक और जॉगर्स, क्या बात है, वाव मजा आ गया यार जॉगर्स देख के, बिल्कुल मिलिट्री वाली फीलिंग आ रही। अब मेरे को भी पबजी के अंदर बंदे मारने में कैमोफ्लेज करने में कोई परेशानी नहीं होगी, तो गिल्ली सूट लेने की कोई जरूरत ही नहीं है पबजी के अंदर। उसके बाद अब गैस मारो। ओह आई थिंक इसके अंदर होगा कंप्यूटर का सामान, मेरे को सारा डब्बे के अंदर दिख रहा है। गैस तो किया नहीं, गैस मोबाइल फोन प्लीज। बड़ी मोबाइल फोन होती है यार, पुराने जमाने के मोबाइल फोन के डब्बे पता है इतने बड़े बड़े होते हैं। प्लीज वन मोबाइल फोन, पुराने जमाने में नहीं रहा। रेजर, यो क्या बात है, रेजर ने सारा माल देख रखे। हेडफोन्स फिर से भाई, कितने हेडफोन दे रहे हो मेरे को यार। डैम तेरे कौन से हैं, रेजर क्रैकन्स। लगता है मेरे घर वालों ने सुन लिया होगा कि मेरे नए वाले हेडफोन्स एकदम बेकार थे। और ये तो बिल्कुल ग्रीन मैचिंग हो रही है, तो ये हेडफोन्स भी ग्रीन है, वो जो पैड था रेजर का वो भी एकदम से ग्रीन है। भाई जरा खोल के देखें, अंदर से भी ग्रीन है, यो एकदम ग्रीन हेडफोन्स। वैसे मेरे कंप्यूटर की थीम तो वाइट थी और ये सारे मेरे को ग्रीन चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं। तो एक बार फिर से जिसने भी मेरे को फैमिली में दिया ब्रो, थैंक यू सो मच। इसके बाद नेक्स्ट टी शर्ट वाला डब्बे में देखते हैं क्या आया है। ओ ब्लैक वाली टी शर्ट, क्या बात है, लगता पूरी दुकान खरीदी लगता है इन्होंने हॉलिस्टर की। चारा तो ये है गाइस, आ गई थी। इसका मटेरियल यार कुछ ऐसे लग रहा है मेरे को यार, मुलायम मटेरियल होता ना वो, जैसे ऐसे करने से किश किश की आवाज़ आती है, तो ये वैसा मटेरियल लग रहा है मेरे को एकदम फिर से बढ़िया। और पीछे भी थरा, ओह यार नए कपड़े की स्मेल बहुत मस्त होती है। तो ये है एक और टी शर्ट, थैंक यू सो मच। राइट नेक्स्ट, ये क्या है, गैस, आई डोंट नो। पांच सब्सक्राइबर्स के लिए गैस करना पड़ता है मेरे को। आई थिंक ईयरफोन्स होंगे मेरे, ईयरफोन्स या हो सकता है ईयरफोन्स, पॉसिबल ईयरफोन्स। ये क्या है, ओह मैन बूमरैंग, क्या बात है, ये किसका आइडिया था, वाओ तारा। लोगी जरा वहां खड़ा हो, मैं मार के देखता हूं वापस आता कि नहीं आता। एकदम सॉलिड वुड है भाई ये, दिस इज डेफिनेटली अ माउस, डेफिनेटली अ माउस। अगर ये माउस हुआ तो ये डेफिनेटली कीबोर्ड होगा, 100% डेफिनेटली। एक बार फिर से ग्रीन डब्बा मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, तो आई बिलीव रेजर। और ये फ्रोजन के पैकेट मेरे को पेंट करके देखिए, देख रखे है ये सस्ते काम, रेजर का माउस, वाओ। और इसी के साथ 10 सब्सक्राइबर जीत चुके हैं, 10 सब्सक्राइबर्स। तो ये है गाइस रेजर का नागा, नागा ट्रिनिटी, और कितने सारे बटन जिसके सारे में लग गया गाइस, आप देख सकते हो कि ये मैं चेंज भी कर सकता हूँ। तो ये हम रखेंगे पबजी के लिए, ये मैं रखूंगा पारादिन के लिए, ये हम रखूंगा एडिटिंग के लिए, ये होगा GTA का, ये होगा कौन सी गेम्स खेलते हैं यार, Fortnite। आप कोई बंदा बच के दिखा दे मेरे से। तो भाई खतरनाक यार, आई एम इम्प्रेस। मेरा नया माउस, मेरा ऑलरेडी पुराना माउस एकदम बहुत पुराना हो चुका है। मैंने जब कंप्यूटर बनाया था तो मैंने सोचा था कि मैं अपग्रेड करूंगा, लेकिन यार वो दिन निकल गए और मैंने अपग्रेड किया नहीं। लेकिन ये माउस भी बहुत बढ़िया है यार, अमेजिंग माउस। तो थैंक यू, आई कांट वेट टू यूज माय न्यू माउस यार, थैंक यू। इसके बाद एक और, अभी मेरे को पिंक वाली टी शर्ट देकर रखी है, नाइस। राइट लेट्स गो। तो ये है पीछे वाला डिजाइन, साइज कौन सा देकर रखा, मीडियम ही है ना। मुझे लगा साइज यहाँ पे लार्ज लिखा होगा। तो ये है मीडियम और ये है आगे वाला डिजाइन, वाह मैन एकदम बढ़िया, आई लाइक इट। इसका मटेरियल और जो मटेरियल मैंने पहन कर रखा है एकदम सेम है, तो मजा आ गया यार। नेक्स्ट ये क्या है, और अभी हम लाइन पे लगा रहे हैं 20 सब्सक्राइबर्स, भी ऑक्शन चल रहा है यहाँ पे। ये क्या है, आई डोंट नो ये क्या हो सकता है, आई डोंट नो। एक गेस मारो और 20 सब्सक्राइबर्स जीतो। एक गेस मारो और टोटली 20 सब्सक्राइबर जीतो जीतो जीतो। लोगों ने यहाँ पे बिल्कुल हिंदी मशहूरियां लगा के रखी हैं, एक बार आइए बार बार खाइए ये।
और ओके ये मेरे को ब्राउन डब्बा यहाँ से नजर आ रहा है, बस ओपन है। मैंने पता नहीं इसके अंदर क्या है, ये क्या है, ये रेजर का इसके ऊपर लोगो लगा हुआ, तो आई एम थिंकिंग ओह मैंने देख लिया। तो गाइस ये है अरे सील है यहाँ से, ओके हाउ डू यू ओपन इट, एक मिनट। तो गाइस आई थिंक ये हो सकता है हमारे उसका हेडफोन्स का केस, yeah I think ये हेडफोन का केस है। वो इसके अंदर दो हेडफोन्स, नो वे, yeah I think ये हेडफोन का केस है। खाली देकर रखा यार, क्या करते, कुछ ना कुछ डाल देते। और इसी के साथ हम 20 सब्सक्राइबर्स जीत के, ऑप्शन चला कर रखा लॉगिन है। तो गाइस ये है हमारे हेडफोन का केस, अच्छा यार बहुत सॉफ्ट है, एकदम मेमोरी फोम जैसी फीलिंग आ रही है और बहुत सॉफ्ट पैडिंग है यार। और ये थैंक यू, ऐसे थैंक यू करने की बात नहीं है, मुझे लग रहा है हेडफोन के साथ फ्री में आए होंगे, ये चूना लगा दिया मेरे को, थैंक यू, मजाक कर रहा हूँ। ओके उसके बाद एक और टी शर्ट, ये लास्ट वाली है गाइस, इसके अंदर कुछ भी नहीं है और ये भी नियरली लास्ट वाला है, तो इसके बाद भी कुछ नहीं है, तो डेफिनेटली गाइस मुझे लग रहा है कीबोर्ड होगा, क्योंकि मैं कब से इंटरनेट पर देख रहा था, आई थिंक लास्ट वीक देख रहा था कि मुझे अपना कीबोर्ड अपग्रेड करना है। मेरे पास है कोर्सियर का RGB K90 या K70 RGB कीबोर्ड है, बहुत मस्त कीबोर्ड है, बहुत, मुझे इस कीबोर्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई भी। आई मुझे लगता है कि अगर इसके अंदर कीबोर्ड भी होगा तो मुझे लग रहा है कि ये 2-3 महीने ऐसे ही पड़ा रहेगा, क्योंकि मैं इस कीबोर्ड से मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन फिर भी मैं उस दिन कंप्यूटर के ऊपर देख रहा था और कंप्यूटर को देखने के बाद मेरे भाई ने कंप्यूटर यूज़ किया, तो आई थिंक उसने देखा होगा कि इसको कीबोर्ड चाहिए होगा, तभी उसने कीबोर्ड देख रहा है। एनीवेज तो ये एक और हॉलिस्टर की टी शर्ट, एक बार फिर से साइज इसका मीडियम, और इसके मटेरियल के बारे में बात करूँ तो कसम से आप बिलीव नहीं करोगे इसका मटेरियल कैसे है। जैसे प्याज की बोरी होती है ना, तो प्याज की बोरी में से यहाँ वहाँ दो भावें निकाल ली और ले ब्रांड बन गया हमारा होलिस्टर। अब मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसके मटेरियल को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सॉफ्ट है, एक बार फिर से बहुत ही मस्त मटेरियल है इसका, एंड आई रियली लाइक इट। तो ये हमारे जॉगर्स के साथ बहुत मस्त लगेंगी यार, नए कपड़ों की स्मेल एकदम बढ़िया। थैंक यू सो मच जिसने भी, आई थिंक एक बार फिर से मेरी मॉम ने ये टी शर्ट सेलेक्ट करती है हमेशा मेरे लिए, तो थैंक यू मॉम। उसके बाद फाइनल, अभी लाइन पे लगा रहे हैं 100 सब्सक्राइबर्स। अगर इसके अंदर कीबोर्ड निकला तो जो जो बंदे नए आए हैं तो वो सारे सब्सक्राइब करेंगे, सारे के सारे, आई एम टेलिंग यू एवरीवन इज गोना सब्सक्राइब। लेट्स गो, मुझे लग रहा है इसके अंदर कीबोर्ड होगा, कम ऑन ओपन यार, हैवी है और हरे रंग का बॉक्स मेरे को दिख रहा है, इट्स अ कीबोर्ड, ओ माय गॉड, यो अरे बाप रे, ये लिटरली गाइस इंटरनेट का सबसे बेस्ट कीबोर्ड है, ओ माय गॉड, एरो कीप का छेद भी है, ये मैन। तो ये है रेजर का हंट्समैन इलीट, इनकी वेबसाइट पे इससे ज्यादा बेस्ट कीबोर्ड उनकी खुद की वेबसाइट पर नहीं है, तो ये ओ माय गॉड, ये की देखो कितनी मस्त लग रही है, तो साउंड कितना अच्छा है। Man, this is so awesome. तो देख लीजिए गाइज, ये है मेरा बिल्कुल ब्रांड न्यू कीबोर्ड, ओ माय गॉड। तो कोई बात नहीं, ये कल कीबोर्ड में फेंक दूंगा, ये वाला इस्तेमाल करेंगे, चल तेला तेला। तो गाइज ये रहे मेरे क्रिसमस के प्रेजेंट्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आए होगी, ये लॉकी ऑलरेडी कीबोर्ड के ऊपर बैठा हुआ है, थारा। तो ये सारी मेरी टी शर्ट्स, मैन आई एम सो हैप्पी, मेरा माउस नीचे गिर गया यार, और ये कुछ और रैपर्स वगैरह यहाँ पे गिरे हुए हैं एंड कुछ और मेरी ड्रोन वाले, ये आपने तो ऑलरेडी कल उसकी वीडियो देख ली होगी, तो उसको मुझे अनबॉक्स करने की जरूरत भी नहीं है। तो चलिए गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसी और वीडियोज भी आने वाली हैं। कुछ ही दिनों में मेरा बर्थडे है, तो मुझे लगता है कि मुझे बर्थडे के दिन कुछ ना कुछ तो बनता है यार, मैं बोल के आता हूँ नीचे, मैं सबको नीचे टेक्स्ट करता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, अगर मिल गया तो मैं अनबॉक्सिंग कर दूंगा, अगर नहीं मिला तो अगले साल सही। चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना काफी है, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।